मध्य प्रदेश के सतना में पहली बार एक ऐसा ऑपरेशन हुआ जिसे सुनकर कोई हैरान है। दरअसल यह ऑपरेशन किसी मनुष्य या पशु का नहीं बल्कि तोते का हुआ है। डॉक्टरों ने तोते के ट्यूमर की सफलतापूर्वक सर्जरी की और उसकी जान बचाई। डॉक्टरों के अनुसार किसी पक्षी की इस तरह की सफल सर्जरी का यह संभवतः पहला और अनोखा मामला है। पशु चिकित्सालय में 20 साल के बेटू नाम के तोते की सर्जरी कर उसके गले से 20 ग्राम का ट्यूमर निकाला गया। बताया जा रहा है कि सतना शहर के मुख्तियारगंज निवासी चंद्रभान विश्वकर्मा ने 20 साल पहले एक तोता पाला जिसका नाम बेटू रखा गया। बेटू की गर्दन में पिछले 6 माह से एक गठान हुई और धीरे धीरे वह बढ़ती गई। ऐसे में चंद्रभान ने बेटू के उपचार के लिए पशु चिकित्सालय सतना के डॉक्टरों से संपर्क किया। जांच में डॉक्टरों की टीम ने ट्यूमर होना बताया और ऑपरेशन की सलाह दी। फिर क्या था, सर्जरी शुरू हुई। करीब 2 घंटे तक सर्जरी चली और बेटू नाम के तोते की गर्दन से 20 ग्राम का ट्यूमर बाहर निकाला गया, जबकि तोते का कुल वजन 98 ग्राम है। यह ट्यूमर उसकी गर्दन के दाहिनी आंख के नीचे धीरे धीरे बढ़ रहा था, जिससे उसे काफ़ी परेशानी हो रही थी और तोता ना बोल पा रहा था और ना ही खाना खा रहा था। सफल सर्जरी के बाद ट्यूमर को आगे की जांच के लिए रीवा पशु चिकित्सालय भेजा गया है। यह मामला इस क्षेत्र में इस प्रकार के ट्यूमर के सफल ऑपरेशन का पहला मामला है, जिससे स्थानीय चिकित्सा जगत में भी हलचल है। यह ऑपरेशन सतना के चिकित्सक बृहस्पति भारती एवं चिकित्सक बालेंद्र सिंह और उनकी टीम के द्वारा किया गया है। मैं डॉक्टर बृहस्पति भारती, अभी परसों क्या है ऑनर चंद्रभान विश्वकर्मा करके हैं, मुख्तियारगंज के हैं, वो अपना तोता ट्रीटमेंट के लिए लाए थे। तो देखा तो गर्दन में दाई आँख के नीचे बहुत बड़ी गठान थी। तोते के हिसाब से जो है जितना बड़ा सर था उतनी बड़ी तो गठान ही थी। तो फिर उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया और उनको अगले दिन ऑपरेशन की डेट दी। और ऑपरेशन के लिए एक्चुअली में तोते का क्या है ना, थोड़ा सा जटिल है। एनेस्थीसिया क्या है, एनेस्थीसिया जो है तोते में इन्हेलेशन होता है, गैसियस एनेस्थीसिया लगता है, जो हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। हम लोग पेरेंटली जो इंजेक्शन लगते हैं उस एनेस्थीसिया से करते हैं। तो इसलिए हमने डॉक्टर बालेन को साथ ले लिया और हमारे जो फुल स्टाफ वो हैं उनको साथ में। उसके बाद संडे को हमने प्लान किया तो लगभग 1.5 से 2 घंटे तक सर्जरी चली। तो इसमें हमने खास तौर से मतलब एनेस्थीसिया के लिए रखा है। क्या है एनेस्थीसिया, इनमें एनेस्थीसिया देने पे इनमें म्यूकस सिक्रीशन ज़्यादा होता है। म्यूकस सिक्रीशन ज़्यादा होता है तो कई बार क्या है ट्रैकिया इतनी छोटी होती हैं कि मतलब उसमें जमा हो जाता है, सांस अवरुद्ध होने का चांस रहता है। और इसमें क्या होता है जैसे हम कुत्तों वगैरह में क्या है कि इसके लिए म्यूकस ना निकले एंटीकोलिनर्जिक ड्रग आता है वो देते हैं, पर इनमें क्या है कि अगर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देंगे तो इनका डीएमआर हार्ट रेट वैसे ज़्यादा है, तो उससे क्या है हार्ट रेट और ज़्यादा होता है। तो जितना हार्ट रेट ज़्यादा होगा उतना ऑक्सीजन की सप्लाई मतलब ज़्यादा डिमांड होगी। तो और जो कि मतलब नुकसानदायक है, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगी एनेस्थीसिया के समय। और इनमें क्या है एनेस्थीसिया का रिकवरी भी बहुत जल्दी होता है। क्या है इनके फेफड़े में एयर सैक होता है, फेफड़े नहीं बोलते हैं एयर सैक ही बोलते हैं, और जिनमें इनका एयर सैक का जो या फेफड़े मान लीजिए उसका एरिया बड़ा होता है और उनके विस्तार भी फेफड़े का ज़्यादा होता है, तो जिससे जल्दी कंजप्शन करते हैं और जल्दी होश में आते। अब कैसी स्थिति है तोते की? अब तोता ठीक है, कल वो ले आए थे, एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग हुई है, आज भी उनसे बात हुई है और 4 से 5 दिन वहीं पेन किलर और एंटीबायोटिक चलेगा। और टाँके हमने बहुत महीन लगाए हुए हैं मसल्स में भी और स्किन में हमने गलने वाले लगाए हुए हैं, तो अब तो रिकवर है। इनमें क्या है देखिए, सबसे ज़्यादा चांस होता है एनेस्थीसिया का रिकवरी का। अगर वर्ड्स में एनेस्थीसिया से रिकवर कर गए तो फिर चांसेस रहता है। क्या है मैक्सिमम 10% लगभग मोर्टेलिटी जो होती है वहीं 0 से 3 आवर्स में हो जाती है ड्यूरिंग मतलब एनेस्थीसिया या ऑपरेशन के समय। अगर उससे रिकवरी हो गई तो फिर बहुत अच्छा है। वो तभी आज भी बात हुई, इससे पहले भी कभी मतलब तोते का इस प्रकार का ऑपरेशन? तोते का अभी इतना ऑपरेशन नहीं किए हैं, फ्रैक्चर वगैरह के केस यहाँ बहुत आते हैं, कई बार पंखों में वो हो जाते हैं तो टांगे टूट जाती हैं, तो ज़्यादातर उनको क्लोज करके और बैंडेजिंग कर देते हैं तो वो उठ जाते हैं। और कई बार क्या है फिर लोग करवाते नहीं हैं वहीं डर की वजह से, अब थोड़ा रिस्क रहता है।
अब जैसे इनको मैंने बताया था कि थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ेगा, और इन्होंने फिर वही चार्ज वगैरह का पूछा क्या चार्ज रहेगा, तो हमने इवन जो यहाँ चार्ज भी हैं रेट ऑपरेशन के लगे हैं हमने बताया आपको, अब निश्चिकी रही, हमने ऑपरेशन की चार्ज तक की इनकी पर्चियाँ वगैरह नहीं काटी, और कुछ दवाइयाँ तो मैंने खुद बहन की, और अब बहुत खुश भी हैं, उनको यकीन भी नहीं हो रहा था कि क्योंकि 20 साल का तो लगभग उनका कंफर्म होता है, 20 साल का तो उनके पास है बताएं हमें, और उससे पहले उनको किसी पेड़ के नीचे घायल अवस्था में मिला था छोटा तोते का। खैर लाइफ स्पान भी अच्छा होता है, ये मतलब देसी तोते हैं तो इनका लाइफ स्पान लगभग 70 से 120 साल तक का रहता है, और बहुत अच्छा है। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT, फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हेल्पलाइन नंबर 90 74 51 46 14।